Hello students, in this part 4 of real number, I am going to discuss about fundamental theorem of arithmetic. Arithmetic का fundamental theorem हम discuss करने जा रहे हैं. इसको वैसे भी आप लोग previous classes में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो theorem के रूप में नहीं पढ़े. Fundamental theorem of arithmetic है क्या? देखिए, आप दो तरह के नंबर जानते हैं, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर वन और इट्सेल्फ, जो कि या तो वन से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, वही प्राइम होते हैं. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, दीज आर द प्राइम नंबर्स. इसके अलावा ये इनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है. कंपोजिट नंबर दोज नंबर हैविंग मोर देन वन प्राइम फैक्टर्स, एक से अधिक जिसके प्राइम फैक्टर हो, यानी वो खुद से डिविजिबल होगा, वन से भी डिविजिबल होगा और किसी और प्राइम नंबर से भी डिविजिबल होगा. जैसे 4 वन से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 4 2 से भी डिविजिबल है, यानी इसके दो से अधिक फैक्टर हो गए. तो अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. अब कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज product of primes and this decomposition is unique. ये decomposition unique होता है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा. unique मैं क्यों कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी जितने factors होंगे prime factors, वो अगर आप ascending order में लिखेंगे तो चाहे जितनी बार भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में वैसे ही दिखेंगे, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो भी वैसे ही दिखेंगे. तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से ये नहीं होता कि अलग अलग उसका डिकम्पोजिशन आ गया है, वो एक ही है, वो एक ही चीज है. बस अंतर क्या है कि हमने उसका ऑर्डर बदल दिया है. एक बार में हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, दूसरी बार में हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, या फिर हम रेंडम ऑर्डर भी लिख सकते हैं. लेकिन फिर भी जब हम कंपेयर करेंगे हर एक प्राइम्स को उसके इंडेक्स के साथ, तो वो दिखेगा कि हर एक बार में वो प्राइम अपने इंडेक्स के साथ सेम है, डिफर नहीं करेगा. तो सी हियर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस डीकम्पोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स. अब मान लीजिए हम कोई कंपोजिट नंबर एक्स ले रहे हैं, लेट एक्स बी any composite number and p1 p2 p3 and so on pn are prime factors of x. So x is equal to p1 into p2 into p3 into and so on into pn. अब ये ऑर्डर हमने ऐसे लिख दिया, ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, pn से स्टार्ट करें, pn p, उससे पहले वाला क्या होगा n-1 होगा, इससे पहले वाला क्या होगा n-2 होगा. जैसे यहाँ पे भी अगर हम लिख दें n-2 into pn-1 into pn,
तो पलट करके हम देखेंगे वही चीज आएगी P3, P2, P1। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये ले लें कि P1 इज लेसर देन और इक्वल टू P2 इज लेसर देन और इक्वल टू P3 इज लेसर देन और इक्वल टू एंड सो ऑन इज लेस देन और इक्वल टू PN-2 इज लेस देन और इक्वल टू PN-1 इज लेस देन और इक्वल टू PN। यानी P1 सबसे छोटा है, फिर P2 है, या तो P1 के बराबर है या P2 P1 से बड़ा है। इसी तरह से हम ले लें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, लेकिन लिखे वही सब हैं, लिखे वही सब हैं। जैसे अगर हम 24 के प्राइम फैक्टर्स करें तो आप जानते हैं 2 × 12 होता है, फिर 12 का क्या होता है 2 × 6 होता है, 6 का क्या होता है 2 × 3 होता है। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 2 × 2 × 3। अब यहां पे देखिए, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। अब आप देख सकते हैं मैंने इक्वल टू भी लगाया था, यानी इक्वल के फॉर्म में भी आ सकते हैं। हम ऑर्डर ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 2 × 2 × 2, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन है दोनों ही किसके, 24 के प्रोडक्ट। और अब आप देखिए 2 की यहाँ पे टोटल इंडेक्स क्या है 3, और 3 की टोटल इंडेक्स क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 3 की 1 और 2 की 3। तो यानी ये यूनिक ही दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, यूनिक दिखेगा। और इस प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग जब किसी भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं तो उससे हमें HCF और LCM निकालने में बहुत आसानी हो जाती है, HCF और LCM निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। अब मान लीजिए दो नंबर ले लेते हैं A और B, और आप क्लास 7th-8th में ये चीज़ पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड दियर LCM। यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑफ A एंड B इक्वल LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB। ये दो नंबर के बारे में एकदम ट्रू है, दो नंबर का प्रोडक्ट ले लीजिए, उनका LCM निकाल लीजिए, उनका HCF निकाल लीजिए, आप देखेंगे LCM और HCF का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आप अच्छे से जानते हैं अगर हमें HCF निकालना हो तो कैसे करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स में जो भी नंबर दिए उनको प्राइम फैक्टर्स में लिख लेंगे, और HCF क्या होगा, उन सभी प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी लीस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। LCM फिर क्या होगा, LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए हम दो नंबर ले रहे हैं, एक जैसे हमने 24 ले लिया 2 × 2 × 2 × 3, और दूसरा नंबर हम ले ले रहे हैं 36, क्या हो जाएगा भाई 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3 × 12,
थ्री जा 36, ये 36 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब एचसीएफ मैंने क्या कहा, अब आप अगर इसे पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब यहां पर एचसीएफ अगर हम दिखाएं, एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। देखिए यहां पर कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, उसकी लीस्ट पावर क्या है 2 है 2 की पावर 2। यहां पर कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है, लीस्ट पावर क्या है 1 है 3 की पावर 1, यानी क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 3 की पावर 2 यानी 9, 3 स्क्वायर 9, 8 9 जा 72। अब आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा 24 इंटू 36। अब इसको प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, आप जान रहे 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 का स्क्वायर 144, 144 6 जा कितना हो जाएगा 144 इंटू 6, आप कह दीजिए इसको 6 4 जा 24, ठीक है 14 6 जा 84, 286। और आइए प्रोडक्ट ऑफ ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ, आप देखिए एलसीएम कितना था 72, एचसीएफ कितना है 12 12 2 जा 24, 12 7 जा 84, और 286। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ट्रू है, अगर 3 नंबर हो जाएंगे तब ये रूल ट्रू नहीं है, अगर 3 नंबर हो जाएंगे तो ये रूल कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम। अब आप सोचिए अगर हम 3 नंबर कर दें तो क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स, अगर हम 3 नंबर कर देंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। 3 नंबर के लिए क्या होगा, आइए देखें, फॉर एनी थ्री नंबर्स ए बी एंड सी, किन्हीं भी 3 नंबर के लिए ए बी सी के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये 3 नंबर जो हैं ये आपके कौन से होंगे, ये प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, या प्राइम कंपोजिट का मिक्सचर भी हो सकते हैं, किस कैसे भी हो सकते हैं। एचसीएफ ऑफ ए बी सी, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए इंटू बी इंटू सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी ए। इसी तरह से अगर हम एलसीएम लेना चाहें, एलसीएम ऑफ ए बी सी, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी
इंटू एस सी एफ ऑफ बी सी इंटू एस सी एफ ऑफ सी ए, ये थ्री इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एस सी एफ और एल सी एम है। ध्यान रखिएगा थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, वो प्राइम्स भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एनी टू और मोर रेशनल नंबर्स क्या क्या ले ले हम लोग, p by q, r by s, t by u, और ये ध्यान रखिएगा q, s, u can't be zero, no any integer is zero, these all integers p, q, r, s, t all belonging to z positive, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब आइए इनका एस सी एफ अगर हमें लेना है तो क्या करेंगे, एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स पी आर टी अपॉन एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स Q, S, U। और अगर LCM हमें लेना है तो क्या करेंगे, वही बात पलट दीजिए, LCM ऑफ न्यूमरेटर P, R, T अपॉन SCF ऑफ डिनोमिनेटर Q, S, U। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको रेशनल नंबर में भी एससीएम और एलसीएम निकालने का तरीका बता दिया है कैसे हम लोग निकालते हैं। ये इंटीजर्स पे है, ए बी सी आर इंटीजर्स, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू ये सब इंटीजर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये भी ए बी सी भी पॉजिटिव इंटीजर है, उनका एससीएम एलसीएम, और यहाँ पे आपका फ्रैक्शन का जो कि हम रेशनल नंबर्स कह रहे हैं उनका भी एस सी एफ और एल सी एम का है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, तो उनका एस सी एफ हमेशा वन होगा और एल सी एम उनका प्रोडक्ट होगा, एस सी एफ हमेशा वन होगा और एल सी एम उनका प्रोडक्ट होगा। टू या टू से अधिक अगर हम को प्राइम नंबर्स ले रहे हैं, 5, 7, 9, इन तीन नंबर का एस सी एफ वन होगा और एल सी एफ इन तीनों का प्रोडक्ट होगा 5 × 7 × 9। इसको अच्छे से आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, इसको मेमोराइज कीजिए और इस पे क्वेश्चन लगाइए। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन गो टू वेब लिंक एंड रेज योर प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली सॉल्व देम। Till then, goodbye. Thank you.